What's up everyone, this is Deepak Sigohil. This is Taruna Sigohil. And welcome to you, Being the Fittest. एक्सरसाइज करने में जो सबसे बड़ा अवरोध होता है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है, वो होता है टाइम. और खासकर जब बहुत लंबी गैप हो गई हो या कोई वर्कआउट शुरू करना चाहता है तो उसके पास समय जो है वो उपलब्ध नहीं होता है. इसलिए मैंने और तरुणा सिंह गोहिल ने 30 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है जो आपको फिट रहने में हेल्प करेगा, बॉडी को शेप में लाने में हेल्प करेगा, आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्यूरेंस, इन सभी फिटनेस के पहलू को स्ट्रांग बनाने में, इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा. और वो भी सिर्फ 10 मिनट हर रोज एक्सरसाइज करने से. आपको ये 30 डेज की चैलेंज है जो कि बिना किसी एक्सक्यूज के कंप्लीट करनी है. आज का मंडे जो है वो सबसे पहला वर्कआउट रहने वाला है, फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट. चलिए शुरुआत करते हैं वार्म अप के साथ. दोनों हाथ को आगे की ओर 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5, पीछे की ओर 1, 2, 3, 4, 5, एल्बो सर्कल 1, 2, 3, बॉडी को अच्छे से गर्म कर लीजिए, रिवर्स 1. वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है, हार्ट रेट बढ़ जाए, सर्कुलेशन बढ़ जाए. साइड बेंडिंग करेंगे, हाथ ऊपर और साइड बेंड, ब्रीथ आउट धीरे से, इजी 2, बहुत बढ़िया 3, 4, गुड 5. साइड चेंज करेंगे हम दूसरे हाथ से, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो मसल्स है वो लूज होंगे, बैकवर्ड बेंडिंग, और बॉडी जो है वो हमारे वर्कआउट के लिए तैयार होगा. सो हमेशा वार्म अप करना है और कूल डाउन करना है. फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे 10 बार करेंगे ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. दोनों लेग को जरा खोल दीजिए और इजी 4 and 5. हिप रोटेशन करेंगे, गुड, हिप जॉइंट से मूवमेंट होगी, फोकस. एंटी क्लॉक 1, 2, फील द मूवमेंट 5. नी सर्कल 1, इजी 2, 3, 4 and 5. एंटी क्लॉक 1, 2. वार्म अप से सारा बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, जॉइंट्स लुब्रिकेट हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे. काफ रेज करेंगे हम 1, 2, ब्रीद आउट एंड लिफ्ट 3, 4 and 5. शोल्डर रोटेशन, गुड, 1, 2, 3, 4 and 5. साइड रेज 1, 2, 3, 4 एंड प्रेस 1, 2, 3, 4. फ्रंट रेज 1, 2, 3, 4, 5 एंड फ्लाई 1, 2, 3, 4. शोल्डर फॉरवर्ड थ्रस्ट 1, 2, 3. पीछे की है, आगे, पीछे से आगे, आगे से पीछे जाएंगे आप 1, 2, 3, 4. ऊपर की ओर लेके जाएंगे आप 5, बहुत बढ़िया 4, 3, 2. नेक अप डाउन, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, साइड टू साइड नाउ 1, 1, 2, 2, 3, 3. अपने आसपास अराउंड 1, 1, 2, 2, 3, 3. रोटेशन लेंगे, गुड, इजी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से अपने पेस पे, अपने लेवल पे. एंटी क्लॉक, गुड, आराम से नेक रोटेशन आराम से करना है, यस, इजी, रिलैक्स. लाइट जॉग करेंगे अपनी जगह पर, गुड. आज का जो पहला वीक है उसकी थीम है अनुशासन. 4 वीक की एक थीम बनाई है जो कि हमारे माइंड में रीइंफोर्स करेगा, हमारे माइंड में डालेगा कि कौन सी चीज का क्या इंपॉर्टेंस है. तो जो वीक 1 है उसकी थीम है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन. तो चाहे मूड हो या ना हो, टाइम हो या ना हो, लेकिन ये 10 मिनट कैसे भी करके अपने शेड्यूल से निकाल लिए और 10 मिनट के लिए जो वर्कआउट है वो कंप्लीट कीजिए, यानी कि अनुशासित बनना है. तो पूरा हफ्ता जो है अनुशासित बनना है, डिसिप्लिन बनना है और किसी भी तरह से 10 मिनट निकाल के वर्कआउट करना है. बढ़िया, नीज अप 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10 toe jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 twist jump. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jumping jack. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. वाह क्या बात है. वार्म अप डन. अब करने वाले हैं हम फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट. टोटल करने वाले हैं 7 एक्सरसाइज, 40 सेकंड के लिए वर्क, 20 सेकंड रेस्ट. सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है बॉडी वेट स्क्वाट. टाइमर को शुरू कर रहा हूं, 15 सेकंड है आपके पास. यस गुड. शोल्डर डिस्टेंस जितना दोनों लेग के बीच में डिस्टेंस रखना है. थोड़े से पंजे बाहर की ओर अराउंड 20-30 डिग्री. सांस लेते हुए नीचे जाना है, सांस निकालते हुए ऊपर आना है. लेट्स गो. नजर चार से 5 फुट की दूरी पर. ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप. कॉन्सेंट्रेट एट द बॉटम. 2, बहुत बढ़िया. 3, स्लोली रेजिस्ट एंड कम अप. कंट्रोल के साथ नीचे आना. 4, गुड विद कंट्रोल. 5, बढ़िया. 6, गुड. 7, जब नीचे जा रहे हो फोकस करो, बिना नहीं हिलाए ऊपर आ जाओ. 9, धीरे 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 सुपर. 10, 15, इजी. 11, नजर 4 से 5 फुट की दूरी पर. गर्दन को ऊंचे मत रखना, न्यूट्रल रखना है. धीरे से ऊपर आ जाओ और एक रैप होगा. ब्रीद इन धीरे कंट्रोल वे में एंड बहुत बढ़िया. नाइस. सेकंड एक्सरसाइज जो है वो है पुश अप. आप चाहो तो नी पे कर सकते हो, ठीक है, और अगर फुल कर सकते हो तो फुल पुशअप. पोजिशन, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप. 2, 3, ब्रीथ इन एंड अप. 4, गुड. 5, दोनों हाथ से पुश करना है फ्लोर को. 7, स्लोली डाउन एंड अप. 8, स्लोली डाउन एंड अप. 10, स्लोली डाउन एंड अप. 11, स्लोली डाउन एंड अप. 12, स्लोली डाउन एंड अप. 13, कंटिन्यू ऊपर रिलैक्स. हाँ बढ़िया. इसीलिए वार्म अप करना जरूरी है. गुड. अब करेंगे ब्रिज. गुड. इस तरह से आ जाना है, दोनों पंजे जमीन में दबाना है. ब्रीद आउट और हिप को ऊपर की ओर उठाना है. रेडी गुड. ब्रीद आउट, पंजे दबाकर बॉडी को ऊपर उठा लीजिए. वहां पर होल्ड करेंगे हम. गुड. 5, 4, 3, 2 एंड 1 नीचे आएंगे, फ्लोर को टच करेंगे. ब्रीद आउट, दोनों पंजे दबाओ और ऊपर उठाओ बॉडी को. बढ़िया. दोनों पंजे जमीन में दबाकर रखो, जो मिड सोल है उसे दबाकर रखो. धीरे से वापस नीचे आएंगे हम. गुड. ब्रीद आउट, लिफ्ट, होल्ड देयर 5 सेकंड. यस, दोनों पंजे दबाओ, आपके हैमस्ट्रिंग ग्लूट के मसल एंगेज हो जाएंगे. धीरे से वापस नीचे आएंगे हम. एक और रैप. ब्रीद आउट, लिफ्ट, होल्ड एंड धीरे से नीचे आ जाओ. सुपर रिलैक्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रंचीज, ठीक है. चलिए अपनी पोजिशन पर इस तरह से दोनों हाथ यहाँ पर. ब्रीद आउट, डायरेक्टली सीलिंग की ओर जाना है ऐसे. होल्ड एंड धीरे से नीचे. चलिए रेडी. ब्रीद आउट एंड सीलिंग की ओर. 1, होल्ड, धीरे से नीचे. झटका मत मारना. ब्रीद आउट, सीलिंग की ओर जाओ, होल्ड करो वहां पर एंड धीरे से नीचे. आपके हाथ कान के पास. 3, होल्ड एट द टॉप, धीरे से नीचे. हाथ को हेड के पीछे मत रखा, कान के पास. 4, होल्ड, धीरे से नीचे. 5, सीलिंग की ओर जाना है, धीरे से नीचे. 6, सीलिंग की ओर, फोकस, धीरे से नीचे. 7, सीलिंग की ओर, होल्ड देयर, होल्ड देयर, होल्ड देयर एंड स्लोली डाउन. सुपर सुपर. नाउ बैक एक्सटेंशन, अपनी ही जगह पे उल्टे सो जाएंगे हम. यस, दोनों हाथ इस तरह से कान के पास. ब्रीद आउट एंड लिफ्ट. अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो हाथ का सपोर्ट ले लीजिए. ब्रीद आउट एंड लिफ्ट एंड डाउन. गो. 1, अप एंड धीरे से नीचे. हेड नीचे रखना. 2,
हेड नीचे, तीन धीरे से नीचे, चार धीरे से नीचे, पांच धीरे से नीचे, छह फ्लैट होल्ड, वही मसल से नीचे आना है, सात गो अप लिफ्ट होल्ड देयर, धीरे 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 वही मसल से नीचे, नौ गो अप होल्ड, धीरे वही मसल से नीचे, दस होल्ड 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 धीरे से नीचे, इलेवन होल्ड 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 वही मसल से नीचे। क्या बात है। नाउ लेग रेज, आप चाहो तो सिंगल लेग कीजिए राइट, और अगर ज्यादा स्ट्रांग हो तो डबल लेग मेरे साथ कीजिए। सिंगल लेग तरुण आपको दिखाएगी, फिर डबल लेग के लिए मुझे फॉलो कीजिए। चलिए ब्रीद आउट एंड लिफ्ट, दोनों पंजे आपके खींच के रखना, 60 डिग्री जितना ऊपर आना है, एंड देन डाउन टू 60 डिग्री अप एंड डाउन, पंजे खींच के रखना, तीन 60 डिग्री वहीं से नीचे, फोकस ऑन योर हिप फ्लेक्सर्स, चार गुड लिफ्ट अप होल्ड, धीरे से नीचे, नी बिल्कुल स्ट्रेट, लेग चेंज करना है तो कर सकते हो आप, आ जाओ ऊपर होल्ड, धीरे से नीचे कंटिन्यू, धीरे से नीचे सुपर, दोनों पंजे खींच के गुड, सिंगल लेग कर रहे हो तो एक पंजा खींच के, एक और ब्रीद आउट लिफ्ट होल्ड धीरे से नीचे। चलो खड़े हो जाइए, लास्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ रेज, 40 सेकंड के लिए परफॉर्म करना है, 20 सेकंड का रेस्ट मिलेगा, ब्रीद आउट और लिफ्ट इस तरह से करना है, गो वन होल्ड धीरे से नीचे, टू होल्ड धीरे से नीचे, तीन ऊपर उठ जाओ, वही मसल से नीचे आना है, छोड़ नहीं देना है बॉडी को, लिफ्ट विद द सेम मसल डाउन, लिफ्ट छह गो अप होल्ड धीरे 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 नीचे, सात वही मसल से नीचे, आठ लिफ्ट करो होल्ड करो वही मसल से नीचे, नौ लिफ्ट करो होल्ड वही मसल से नीचे, दस गो अप होल्ड वही मसल से नीचे, इलेवन धीरे 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 धीरे, ट्वेल्व और एक थर्टीन गुड, एक और फोर्टीन, चलो 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 एक और फिफ्टीन, गो 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 रिलैक्स सुपर। सो स्ट्रेंथनिंग की टोटल 7 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, और पूरी बॉडी का जो मेजर मसल है उसको हमने टारगेट किया है। अब हम पुल डाउन करेंगे, शूज निकाल दीजिए, स्ट्रेच करते हैं, यस एक हाथ आपका जो है वो कमर के पास, लेफ्ट हैंड राइट हैंड उठाकर कान से टच, ब्रीद इन और साइड बेंडिंग करेंगे, होल्ड करेंगे यहां पर, फाइव फोर थ्री टू एंड वन, चेंज करेंगे साइड, गुड फाइव फोर थ्री टू एंड वन, दोनों हाथ की उंगलें इंटरलॉक एंड बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे हम, बढ़िया की ब्रीदिंग, पांच चार तीन दो एक, यहां से आगे जाएंगे फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे हम, होल्ड हियर आराम से इजी, फाइव फोर थ्री टू एंड वन, स्क्वाट पोजीशन में बैठेंगे यहां पर, बढ़िया, फाइव फोर थ्री टू एंड वन, दोनों लेग उल्टे कर देंगे, यस सुपर, आंखें बंद करके जो मूवमेंट बढ़ गई है उस पर ध्यान दीजिए, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, सांस अंदर लेनी है, धीरे से बाहर निकालते हैं, सांस अंदर लेनी है, धीरे से बाहर निकाल दे, बढ़िया,
धीरे से आंखें खोलेंगे, दोनों हाथ को चेहरे पे, छाती पे, पेट पे, पैरों पे, कमर पे लगाते हुए रिलैक्स। राइट, बढ़िया। तो ये था आज का 30 डेज गेट फिट वर्कआउट का पहला वर्कआउट, मंडे का वर्कआउट। नेवर मिस मंडे ऐसा कहते हैं, मंडे को कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि मंडे मिस कर दिया तो पूरा हफ्ता मिस कर दिया। तो आप अगर इस जर्नी का पार्ट बन रहे हो, बनना चाहते हो, अपने दोस्तों को इसमें शामिल करना चाहते हो, नीचे कमेंट करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के लिंक शेयर कीजिए, और 30 डेज सिर्फ 10 मिनट हर रोज़ वर्कआउट करना है, यह वर्कआउट करने के लिए उनको भी इंस्पायर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बींग द फिटेस्ट।